ग्राम पोखरी के पावन पुण्य वसुंधरा पर इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के महान विभूति महान प्रतिभा मदद है सम्राट व्यास मेरे बड़े भाई सुदर्शन यादव जी के सम्राट म्यूजिक वह उद्घाटन समारोह के सम्मानित अध्यक्ष अजय सर जी इस समारोह में उपस्थित हमारे महान प्रतिभावान और इस इलाका के गौरव मान सम्मान सूर्य और चंद्रमा के रूप में देखे जाने वाले हमारे इलाके के दुलारे प्यारे मगध सम्राट व्यास के देव के समान आदरणीय गुरुदेव जी महाराज जय राम ओझा साहब हम बहुत मेरा बचपना था छोटा था थे तो मधुबन में बजरंगबली बना था तो सर का हम गान बजान वहां सुने थे बहुत बहुत छोटा थे उस समय हमको बहुत अच्छा लगा था उस समय इतना संयम और संगठित और सजा करके जो इनका मंडली था इतनी अच्छी अनुशासन में था जिसका अगर प्रशंसा हम कितना भी करें तो बहुत कम है इनकी थोड़ी सी भोर में हम माननीय आदरणीय गुरु जी का एक लाइन गाना सुने थे जो आज भी याद रहता है या कहीं न कहीं हम गुनगुना देते हैं ये गायक है कि चल हमारा संग है भोगबू तू लाल चिराए याद होगा गुरुदेव जी महाराज ये हमको आज भी याद है और आज भी कहीं न कहीं 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 बीच में गुनगुना देते हैं तो लोग पूछ देते कि कहाँ से गावा हो हमको कहना पड़ता है कि रे हमारा ही चाइज हो रहा था तो उतना में आए थे वो जा तो वही गाए थे आइए इतना ही हमको याद हुआ क्योंकि हमको न गाने आता है न बजाने आता है भाषण भी नहीं आता है इस समारोह में उपस्थित रामानुज पाठक साहब इस समारोह में उपस्थित इस सब जिला पंचायत के दुलारे प्यारे लोकप्रिय मुखिया मेरे दुलारे प्यारे छोटे भाई अभय कुमार यादव जी मेरा दुलारा प्यारा छोटा भाई श्याम जी व्यास जी सब व्यास जी को हम चिन्ह रहे हैं जो जो आते हैं नाम ज्यादा नेता के याद रहता है व्यास जी से कम रहता है हमारा कम समझिए या जो समझिए इस समारोह में उपस्थित तमाम इस इलाका के किसान मजदूर शोषित दलित अकलियत नौजवान साथियों मेरे दुलारे प्यारे बच्चों मैं इस समारोह के मंच के माध्यम से जितना हमें हर्ष हो रहा है इस हर्ष के साथ मैं आप सबों को क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत करते हैं साथी कहा गया है हम लोग पढ़ते थे तो एक सर जी थे केवल यही हम लोग को हमेशा बताने का प्रयास करते थे कि लघुता ते प्रभुता मिले प्रभुता ते तक दूरी अचिटी सत कर ले चले हाथी के सर दूरी साथी एक एक व्यक्ति से एक एक लोग से हम कहना चाहेंगे कि किसी सर
काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम और व्यास जी सहपाठी का जीवन किए, सहपाठी के रूप में आज तक भी हम लोग रहते हैं। व्यास जी बचपन से ही इनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा था। इनकी प्रतिभा के सामने बचपन में भी जिस समय हमने फोर्थ क्लास और फाइव क्लास में पढ़ते थे, उस समय भी इनके प्रतिभा को देखने के लिए, सुनने के लिए गांव बस्ती के लोगों को, इस इलाके के तमाम गांव बस्ती के लोगों का भीड़ लगता था। हम आपको याद दिला देते हैं, हम लोग गांव के मीटी स्कूल में पढ़े हैं। वहां शनिवार को अपने घर से गोइठा पर गोबर ले जाकर के विद्यालय को लिपते थे, और उसके बाद मध्यांतर के बाद हम लोग को विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। हम हमारे यहाँ एक फिजिकल टीचर थे, लेकिन फिजिकल टीचर होते हुए भी उन्होंने पेशा से प्यार थे, वो भी अपने जमाने में अच्छा खासा प्यार माने जाते थे। रामध्यान बाबू शनिवार को जब हम लोग उससे गाना गवाने की बात होती थी, तो हम लोग कभी तो कभी दो छड़ी पिता करके आँख मल करके बैठ जाते थे। अगर पिताने का कारण क्या हो जाता था कि ब्याह जी गा देते थे, हम लोग नहीं गाते थे, तो दो छड़ी पिताए पिताने का यही कारण होता था। उस समय भी यानी फाइव क्लास में हम लोग पढ़ते थे, उस समय भी रामधयान बाबू जाने माने ब्याह में से जाने जाते थे। उस समय में भी हमारे मगन सम्राट इस क्षेत्र के महान प्रतिभा, उस समय भी रामधयान बाबू से अपनी प्रतिभा को टकरा दिया करते थे। उस समय भी हमने देखा था कि जब मध्यांतर के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, तो आज के भूगोला से यह जवाब नहीं रहने देते थे। उनके उस समय भी नारद जन्म गा करके हम लोग इन्होंने सुनाया करते थे। हम बचपन से देखा है, बचपन इनके साथ हमारा बीता है। तो हम ध्यान जी को इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे करीब गांव में आप जन्म लेकर के, ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाका में जन्म लेकर के, आप अरवल जैसे छोटे जिला में जन्म लेकर के आपने जो जिला के मान सम्मान को बढ़ाया है, गौरवान्वित करता है, किए हैं, इसके लिए आपके हर जिला भी आप लोग का अभिनंदन और स्वागत करता है। प्रतिभा किसी को छिपता नहीं है, छिपाने से नहीं छिपता है। प्रतिभा एक इतनी बड़ी ताकतवर चीज है कि इसको कितना भी बड़ा वीर और कितना भी धनवान और कितना भी बलवान होगा, प्रतिभा के सामने उसको झुकना पड़ता है। आज भी मैं बता देना चाहता हूँ कि करीब घर में पैदा लेकर हारने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत है। जो संघर्ष किया है उसका इतिहास बना है, उसी का इतिहास बना है जो लड़ना सीखा है, जो संघर्ष करना सीखा है, नहीं अन्यथा किसी का इतिहास नहीं बना है। साथ ही मैंने एक कहानी पढ़ा था, जंगल में एक बार आग लग गया, जंगल में आग लग गया, सारे जंगल के भीतर पशु जो भी थे सारे भाग गए थे, हाथी घोड़ा चीता बाघ शेर सब भाग गए थे। एक साधारण सी चिड़िया बन जंगल के बगल की सरोवर में जाता, और बूढ़ी माता आकर के जो है जंगल में लगी हुई आग पर अपना पंख झाड़ देता। लोग हंसने लगे, कहे कि देखो ये पगला है, इस जंगल में आग बुझाने चलती है छोटी सी चिड़िया। लोगों ने पूछा, एक निशा लोगों ने पूछा, तुम ऐसा काम कर रही हो छोटी सी चिड़िया? चिड़िया ने जब यह जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम आएगा, इस जंगल के जितने भी शेर थे मैदान छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन मेरा नाम आएगा कि जंगल के आग बुझाने का काम ये छोटी सी चिड़िया की। तो साथी समय कम है, हम अपने बोलना बहुत कुछ चाह रहे थे।
समय कम है, अध्यक्ष महोदय से आदेश का अनुपालन करते हुए मैं यह कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि सोलह में सपनम बना के तो देखो, रोते हुए तो हंसा के तो देखो, रहेंगे न हम सदा रहोगे न तुम, मोहब्बत की गुलशन की लाश के तो देखो।